तो गाइस ये हैं इंदौर की हार्ड वर्किंग गर्ल, इनकी सिर्फ उम्र 22 साल है और ये अपना मोमोज का कार्ट लगाती है और पूरा मोमोज का जो सिंगल कार्ट है वो अकेले ही संभालती है। आप लोग देख सकते हो कितनी मेहनत करती है। और जो इनकी शॉप है उसका नाम वाह मोमोज के नाम से, और इनके पास बहुत सारे मोमोज मिल जाते हैं भाई। आप लोग देख सकते हो कि खुद अकेले मेहनत करती हैं पूरी कार्ट पर, दिन में सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू, और बहुत टेस्टी मोमोज बनाती हैं। हम लोगों ने खुद इनके पास से टेस्टी मोमोज टेस्ट करें। आप लोग पूरी इनकी वीडियो देखो, एंजॉय करो और हो सके तो सपोर्ट ज़रूर करना। ये आपका नाम क्या है? निशा। और अपनी जो शॉप है उसका क्या नाम है? वाह मोमोज के नाम से शॉप है। तो कितने टाइम से लगा रहे हो आप यहाँ पर? चार महीने हो चुके हैं। तो जो अपनी शॉप का लोकेशन एक बार समझा सकते हैं अपनी पब्लिक को? जो ये बंगाली स्ट्रीट है ना, जो मेन रोड कनाड़िया रोड है, हाँ यही पर है, ये अपना श्री राम मंदिर के पीछे। और अपनी शॉप पर क्या क्या मिल जाता है? चाट, वेज, पनीर, चीज, चीज। अच्छा ठीक है। और गाइस मोमोज की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा सेल होती है इनकी शॉप पर, इतने सारे लोग खाने आते हैं, तो भाई यहाँ पे कंटिन्यू जो मोमोज़ है वो रिफ़िल होते जाते हैं। दीदी कंटिन्यू रिफ़िल करती जाती सारे मोमोज़ को, इतने भी रहता है। सुबह से दीदी बना लेती सारे मोमोज़ और फिर उसके बाद दीदी यहाँ पर ला कर फ्राई करती है। और ये अभी हमारे लिए लगा रही हैं, पूरे मोमोज़ लगने जा रहे हैं भाई। कितने पीस आते हैं इसमें? इसका प्राइस क्या रहता है? चीज वाले का 90 रुपये, और जो अपना नॉर्मल रहता है स्टीम वाला, स्टीम 70 रुपये का रहता है। फ्राइड वाले 80। ये भी लग रहे हैं चीज वाले। हो चुके हैं, अभी जा रहे हैं सर्विंग जो है उसका, पहले थोड़ा जो तेल है एक्स्ट्रा तेल उसको हटे। बढ़िया तरीके से फ्राई हो गया है। साथ में लगवाई ले रहे हैं। इसका प्राइस 50 रुपये ना वेज वाले का। वेज मोमोज का प्राइस 50 रुपये। इसमें 6 पीस आते हैं? आगे इसमें मायो, इसमें आएगा शेजवान। ये घर में प्रिपेयर किया हुआ है ना शेजवान आपका? ठीक है, ये वेज भी आ गया भाई। तो गाइस अपने पास आ चुके हैं ये चीज़ कुरकुरे मोमोज है, और यहाँ पर है वेज मोमोज। दोनों को टेस्ट करते हैं अपन, और एक बार लोकेशन बता देता हूँ भाई लोग। अगर आप लोग आओगे बंगाली स्क्वायर से कनाड़िया रोड जाता है, कनाड़िया रोड पे आप लोग आओगे तो ऑन डोर है, और ऑन डोर के जस्ट सामने दीदी की शॉप लगती है। काफ़ी हार्ड वर्किंग लेडी है भाई, और सिंगल यहाँ पे वन मैन आदमी की तरह काम करती है। तो इनका देख लेते भाई मोमोज का टेस्ट वगैरह कैसा क्या है। ये अपना है भाई, और हाँ एक प्लेट में 6 मोमोज आते हैं, और एक मोमोज अभिषेक भाई ने निपटा दिए पहले। और देख सकते हो इसके अंदर चीज़ है, चीज़ वेज मोमोज है। जो बोलते हैं ना चीज़ कूलिंग आती है, मगर वो चीज़ कूलिंग नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये मोमोज बहुत देर से बना के रखा है उन्होंने। ट्राई करते हैं। हाँ और आयुष भाई, कुरकुरा मोमोज अपन पहली बार ट्राई कर रहे हैं भाई। पहली बार ट्राई कर रहे हैं अपन, मगर भाई इसको में बहुत ज़्यादा क्रंची है। इन्होंने इसके ऊपर क्या करा था, ब्रेड की जो क्रम्स रहते ना वो डाल रखा था इसके अंदर, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रंची हो चुके हैं। और ये भी खा लेते हैं। फीलिंग दिखा अभिषेक भाई, फीलिंग में कोई कंजूसी नहीं है। 50 रुपये प्लेट के हिसाब से बहुत अच्छा, और मोमोज का साइज बहुत बढ़िया है। गाजर दिख रही है इसके अंदर, पत्ता गोभी दिख रही है, ग्रीन मिर्ची दिख रही है, धनिया दिख रही है, काली मिर्ची दिख रही है। ऑसम A1 टेस्ट है भाई। अगर आप लोगों को ये मोमोज टेस्ट करना हो, लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना। कितने लोगों तक खुला सकते हो इंदौर वालों, कितने लोगों तक
देना और अपन मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, अच्छे से ब्लॉग के साथ में, अच्छी सी किसी स्टोरी के साथ में और अच्छी सी किसी स्वाद के साथ में। तब तक के चलते हैं, बाय बाय और बाय।